आपसे जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल संस्थान सब बंद थे। प्राथमिक कायदा वैली ने यह संकल्प लिया कि हम घर नहीं जाकर पढ़े। तो आज क्लास फाइव का मैथ हमसे जानने के बाद आज हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। हम सब ने पहले क्लासों में नंबर्स 1 लाख तक जाने थे और आज इसके बारे में उससे आगे हम जानेंगे। आज हम जानेंगे लार्जेस्ट नंबर, किसी भी संख्या का लार्जेस्ट नंबर। जैसे दो अंकों का सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों का सबसे बड़ी संख्या, जितना भी अंकों का सबसे लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो उतना हम नहीं लिखेंगे। और दो अंकों की सबसे लार्जेस्ट संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए, जैसे दो अंक की सबसे बड़ी संख्या हुआ तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ी संख्या लिखने बोले तीन अंक का, चार अंक का, पांच अंक का, तो सबसे बड़ी संख्या जितना अंक का बोला जाए तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 है। अगर बोला जाए तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99। और इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हो जाती है तीन अंकों की संख्या और तीन अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से आपको बोला जाए पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 9। अगर बोला जाए पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे, तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 9, और उसमें 1 जोड़ दिए, उसमें 1 जोड़ दिए कितना हुआ, 9999 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया 10000। और ये जो संख्या है क्या हो गया, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब हम जानेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको जैसे लिखा हुआ है 2302, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए पहले लिखेंगे 2000 + 300 + 01 + 2। और इसी अगर लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है तो जो लिखा हुआ है उसी को एक्सपेंड करके लिखना है, बाहर करके लिखना है। जैसे लिखा हुआ है 8525, क्या लिखेंगे 8000 + 500 + 20 + 5, ये मेरा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म से हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे लिखा हुआ है इस तरह का नंबर में, और आपको बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए क्या लिखेंगे, 2302, यहाँ क्या है 0 2302, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म इसका भी है, क्या लिखेंगे 8525। मेरा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे पहले जो बताए एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम जानेंगे सक्सेसर और प्रेडेसेसर के बारे में। अब हम जानेंगे सक्सेसर और दूसरा प्रीडेसेसर।
सक्सेसर पर कोई निश्चित संख्या लिखा हो, कोई संख्या लिखा हो और इस संख्या में कोई निश्चित संख्या लिखा हो और इस संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या कहलाया? सक्सेसर। कोई निश्चित संख्या लिखा हो उसमें हम एक ऐड कर दिए तो क्या हो? सक्सेसर। कोई फिक्स संख्या लिखा हो 5, 4, 8, 9, 6 और इसमें हम एक जोड़ दिया तो क्या कहलाया? सक्सेसर। उसी का सेम अपोजिट है प्रीडेसेसर। कोई निश्चित संख्या लिखा हो 5, 2, 8, 6, 5 कोई निश्चित संख्या है अगर इस संख्या से अगर हम एक घटा दिए, निश्चित संख्या है एक से हम एक घटा दिए तो क्या होगा? इसमें बोलेंगे प्रीडेसेसर। जैसे लिखा हो ये 2, 5 कोई निश्चित संख्या लिखा है और इससे हमें एक घटाना है, कोई संख्या से हम एक घटाए उसको हम प्रीडेसेसर कहेंगे और किसी संख्या में हम एक जोड़ दें तो सक्सेसर। और अगर कंपेयर करना है जैसे लिखा हो 5, 2, 7 इसमें 7 रहे बड़ा। अब इसमें कंपेयर करना है बराबर है बड़ा है 5, 2, 8 इसमें अब बताना है जिधर बड़ा रहे उधर का हम क्या हो खुला हुआ जैसे ये बड़ा है इस तरह से उसे हम पुट करेंगे। बुक में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ हम लोग सिर्फ बता रहे ताकि तुम समझ सके। जैसे लिखा हुआ 8, 7, 2, 5 अब देखते हैं दोनों तरफ क्या जो भी संख्या लिखा हो आपस में बराबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे बराबर का साइन पुट करेंगे। अगर इधर का बड़ा हो बराबर है बराबर साइन पुट किए 87, 86 इधर की संख्या बड़ा है तो इस तरह से करेंगे। अब करते रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। हमें कोई भी संख्या दिया हुआ है इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है लिखना है। जैसे दिया हुआ है 58, 97, 54, 22 अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को कहा है तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि एकदम न्यूनतम से एकदम छोटा से आगे की ओर बढ़ेंगे जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। असेंडिंग में क्या ध्यान रखेंगे जो सबसे छोटी संख्या है उसको क्या करेंगे पहले लिखेंगे। जैसे इसमें क्या सबसे छोटी है 22 तो 22 को क्या करेंगे सबसे पहले 22 इसके बाद इससे बड़ी संख्या इससे बड़ी क्या है अब इसको क्या करेंगे कवर और इस तीनों को सर्च करेंगे सबसे छोटा कौन है जो सबसे छोटा है 54 ये भी कवर हुआ। अब इन दोनों को सर्च करना है कौन सबसे छोटा है 58 एंड 97 क्या होगा ये जो संख्या लिखा हुआ था इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए अरेंज कर दिए और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा कोई बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बहुत सही रहेगा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें निरूपित करना है दिखाना है कोई संख्या लिखा हुआ है 97 और बड़े बड़े संख्या भी लिखा जा सकते हैं 8, 2, 5, 98, 7, 5, 9, 6 इस तरह का संख्या लिखा हुआ है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है सजाना है लिखना है निरूपित करना है कर सकते हैं इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हुआ कि पहले क्या लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो इतना में सबसे बड़ी संख्या है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे तो इतना हम सबको आना चाहिए कि सबसे बड़ी कौन थी इसको किस तरह से पता नहीं। देखिए हम इसमें पहले देखेंगे 2 डिजिट का है और 3 डिजिट तो इतना उसको जानते हैं 2 और 3 डिजिट में 3 डिजिट का बड़ा होता है और 3 डिजिट में हम सब पा जाने कि सबसे बड़ा कौन है क्या है इसको क्या पढ़ेंगे 825, 987, 596। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा एक नंबर उसके बाद कौन सा है 825, 2, 3 एंड 4 अब इस तरह इसी तरह से क्या करेंगे इसको अरेंज कर देंगे
फर्स्ट क्या होगा, इस तरह से अगर नंबरिंग कर लेते हो तो तुम्हें आसानी होगा, अगर नंबरिंग नहीं किया थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन नंबरिंग करने के बाद पूरा आसान हो जाता है। नंबर हम दे करके लिख सकते हैं 987 फर्स्ट, सेकेंड को 825, थर्ड 596 और फोर्थ 97। इतना हम आज 5 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जाने, और जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए बुक जल्दी से खरीदें, और जितना स्टूडेंट संभव हो सकेगा उतना किया जा रहा है, और थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करें, घर में बैठ कर बनाएं, घर वाले को परेशान ना करें। नमस्कार।